भूत प्रेत और आत्माओं से जुड़े डरावने कुछ मजेदार बातें जिनके बारे में ज्यादातर लोग जानते भी नहीं है। आज मैं आप लोगों के लिए सारे भूतिया जगहों के बारे में एक मजेदार फैक्ट्स की वीडियो लेके आया हूँ। तो चलिए क्या है इस वीडियो पर देख ही लेते हैं। कुशीसेक ओन्ना। जापान के लोक कथा के अनुसार कुशीसेक ओन्ना एक ऐसी महिला की आत्मा है जिसका मुँह दोनों कानों तक कटा हुआ है और वो अपना मुँह किसी मास्क या कपड़े से छुपा कर रखती है। साथ ही अपने साथ चाकू या किसी जैसी धारदार चीज भी रखती है। माना जाता है कि उसकी आत्मा सड़कों पर घूमती रहती है और किसी अकेले इंसान के सामने जाकर पूछती है कि वो सुंदर है या नहीं। अगर वो इंसान सुंदर नहीं कहेगा तो वो उस इंसान की हत्या कर देती है, और इंसान हाँ कहता है तो वो अपना मास्क निकाल कर अपना कटा हुआ चेहरा दिखाती है और उस इंसान से फिर वही सवाल करती है। इस बार अगर इंसान ने नहीं कहता है तो वो आत्मा उसकी हत्या कर देती है, और अगर हाँ कहता है तो वो इंसान का मुँह भी अपने साथ रखे हुए तेज हथियार से अपनी तरह कान तक काट देती है। तोयुल। तोयुल इंडोनेशिया और बहुत से एशियाई देशों के लोक कथाओं में माना जाने वाला ऐसी बच्चों की आत्मा है जो जन्म लेने से पहले ही माँ के गर्भ में मर जाते हैं। तोयुल का काम चोरी करना और दूसरों को नुकसान पहुंचाना है, लेकिन ये किसी की हत्या नहीं करता। इसकी आत्मा को काले जादू से बुलाया जाता है और किसी दूसरे के घर में चोरी करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से देशों में आज भी तोयुल का विश्वास किया जाता है और माना जाता है कि अगर घर से अचानक कोई चीज गायब होने लगी तो ये तोयुल की वजह से ही हो रहा होता है, और अगर कोई व्यक्ति अचानक से अमीर हो रहा है तो उसके पास तोयुल है ऐसा माना जाता है। ब्लडी मेरी। बहुत से अध्ययन से यह पता चला है कि अगर आप कम रोशनी में बहुत लंबे समय तक शीशे में खुद को देखते रहेंगे तो कुछ समय बाद आपको शीशे में खुद की डरावनी आकृति दिखती है। माना जाता है कि हमारा दिमाग लगातार एक ही चीज को देखने से बोर होने के कारण ऐसी आकृति बनाता है, लेकिन कुछ लोगों को शीशे में अपनी डरावनी आकृति देखने के बाद बहुत दिनों तक हर जगह वही दिखाई देने लगती है। माना जाता है दुनिया भर में प्रसिद्ध ब्लडी मेरी भी इसी का नतीजा हो सकता है। लाल लोरोना। लाल लोरोना अमेरिकी और मेक्सिकन लोक कथाओं के अनुसार ऐसी सुरेली आत्मा है जो रात के समय पानी वाली जगह जैसे नदी नालों के किनारे में अपने बच्चों के लिए रोती घूमती है, इसलिए इसे द वेपिंग वुमन नाम भी दिया गया है। वहाँ के लोक कथाओं के अनुसार मारिया नाम की खूबसूरत औरत जो दो बच्चों की माँ थी, वो एक दिन अपने पति को किसी दूसरे औरत के साथ देख लेती है, जिससे मारिया इतनी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो अपने छोटे बच्चे को पानी में डूबा कर मार देती है। इसके बाद मारिया को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो खुद भी पानी में डूब कर मर जाती है। माना जाता है कि इस घटना के बाद मारिया अपने बच्चों की तलाश में रात को रोते हुए पानी के किनारे घूमती रहती है। मंकी मैन। मंकी मैन दिल्ली का एक रहस्यमय काल्पनिक दानव है जिसे 2001 में देखे जाने का दावा किया जाता था। दावों के अनुसार यह सिर्फ रात में ही निकलता है और लोगों पर हमला कर देता है। इसे देखने वाले लोगों का कहना है कि यह 4 फुट लंबा, शरीर बालों से ढके हुए, धातु से बने पंजे और हेलमेट, लाल चमकती आंखें और छाती पर 3 बटन थे। इस रहस्यमय दानव ने दिल्ली के बहुत से लोगों पर हमला की थी जिसमें 2 लोगों की जान भी गई थी, लेकिन इसे कभी पकड़ा नहीं गया और इसकी चर्चाएं भी रहस्यमय तरीके से ही बंद हो गई। रूम नंबर 873। कनाडा में मौजूद फेयरमोंट बन्फ स्प्रिंग होटल का कमरा नंबर 873 एक रहस्यमय कमरा है जिसे की भूतिया माना जाता है। माना जाता है कि किसी समय में यह एक परिवार इस कमरे में रहने आया था, लेकिन पति अपनी पत्नी और बेटी की हत्या कर देता है। इसके बाद से इस कमरे में रहने वाले लोगों ने यहाँ रात को अजीबोगरीब आवाजें और छोटी लड़की की दिखाई देने का शिकायत की है। ऐसी बहुत सी शिकायत आने के बाद होटल के इस कमरे के दरवाजे को सीनवा कर इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। 21 ग्राम्स एक्सपेरिमेंट। 21 ग्राम्स एक्सपेरिमेंट 1907 में डुंकन मैकडुगल द्वारा किया गया एक वैज्ञानिक अध्ययन था। मैकडुगल का कहना था कि इंसान की आत्माओं का भी खुद का वजन होता है, और इसे साबित करने के लिए उन्होंने यह एक्सपेरिमेंट 6 लोगों पर किया था जो मरने वाले थे। मरने के उन 6 लोगों में से एक का वजन 21 ग्राम कम हो गया था, लेकिन 6 में से सिर्फ एक के ही वजन में परिवर्तन होने के कारण वैज्ञानिक समुदायों द्वारा इसे नकार दिया गया था। लेकिन उनकी यह धारणा है कि इंसानों में आत्मा होती है और उसका वजन 21 ग्राम होता है, ये लोगों के बीच में आज भी प्रसिद्ध है। पोंटियानोक। पोंटियानोक बहुत से संस्कृतियों में माने जाने वाली ऐसी औरत की आत्मा है जिसकी बच्चे को जन्म देते हुए मौत हो गई थी। माना जाता है कि दिखने में ये बहुत सुंदर होती है, जिसकी लाल आंखें, लंबे नाखून और खून लगी हुई सफेद कपड़े पहने हुए होती है। इसे किसी पिशाच की तरह खून की प्यासी माना जाता है, और माना जाता है ये अधिकतर मर्दों का ही शिकार करते हैं। लोक कथा के अनुसार पोंटियानोक पूर्णमासी की रात को निकलती है और हंसने या रोने की आवाज से अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाती है। अगर आवाज जोर से आ रही है तो वो दूर है, अगर आवाज धीमी है तो वो आसपास ही है। माना जाता है कि वो सामने होगी तो प्लामेरिया के फूल की तरह खुशबू आती है। कुछ लोक कथाओं के अनुसार पोंटियानोक सूखते हुए कपड़े से अपना शिकार ढूंढती है, इसलिए मलेशिया के लोग रात को कोई कपड़ा बाहर नहीं रखते। आशाकुरा हॉस्पिटल। आशाकुरा हॉस्पिटल को जापान के सबसे भूतिया जगह माना जाता है। यह हॉस्पिटल मनोरोगियों का अस्पताल हुआ करता था, लेकिन माना जाता है कि एक बार डॉक्टरों की लापरवाही के वजह से यहाँ 40 से ज्यादा मरीजों की मौत हो गई थी। उसके बाद से यहाँ लोगों को अजीबोगरीब हरकतें
थे और आवाजें सुनाई देने लगी। बहुत से मरीज दीवार में ही अपना सिर मार कर आत्महत्या करने लगे। जब ये घटनाएं बहुत अधिक बढ़ गई तो 2001 में इस अस्पताल को हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। मोथमैन 1966 के समय वेस्ट वर्जीनिया के बहुत से लोगों ने 10 फुट बड़े ऐसे जानवर को देखने का दावा किया था जिसका शरीर इंसान का है लेकिन उसके पंख और आंखें लाल है और इसे मोथमैन नाम दिया गया था। सबसे पहले मोथमैन को 15 नवंबर 1966 को तो दंपति द्वारा देखा गया था। इसके बाद भी इसे बहुत से लोगों द्वारा देखने का दावा किया गया है। कोई इसे भूतिया घटना बताता है तो कोई इस घटना को एलियन से जोड़ कर देखता है लेकिन ये असल में क्या है अभी तक पता नहीं चल पाया है। मेरे प्यारे व्यूअर्स, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही और भी मजेदार वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिए क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी ज्यादा उत्साहित करते हैं ऐसे और भी वीडियो लाने के लिए। धन्यवाद।